रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद कई गरीब सड़कों पर आ गए। जिनके मकान हटाए गए थे वे सभी लोग सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गए। जिनकी मदद के लिए भाजपा युवा नेता सौरभ बावरिया ने हाथ बढ़ाया। कुछ दिनों पहले परासिया खिरसाडो में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया था, जिसके बाद वहां रह रहे लोग बेसहारा हो गए और सड़क पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए। इनकी मदद के लिए कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया, पर भाजपा युवा नेता सौरभ बावरिया ने तत्परता दिखाते हुए प्रशासन की मदद से खिरसाडो पंचायत में मंगल भवन खुलवाकर बेघर गरीबों को रहने के लिए जगह दिलवाई और प्रशासन की मदद से पट्टा दिलाकर प्रधानमंत्री आवास दिलाने की बात भी कही। रेलवे द्वारा खिरसाडो में अतिक्रमण किया गया था और बीच में 2 महीने का वो लोगों को समय मिल गया था, बता भी दिया गया था कि हाँ अतिक्रमण किया जाएगा। तो अतिक्रमण के बाद लगभग 70-80 जो घर थे वो तोड़ दिए गए थे, तो उसमें से कुछ लोगों को पट्टा मिल गया, कुछ लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया। तो ऐसी मीडिया के माध्यम से मेरी जानकारी में आई थी कि 10-15 ऐसे परिवार हैं जो रविवार के बाद से रात में ठंड में रोड में सो रहे थे। तो जानकारी लगते से ही मैंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और अधिकारियों से बातचीत करके आज ऐसे सभी परिवारों को उनकी सामग्री के साथ ये खिरसाडो में अपना पंचायत भवन है, यहाँ पे सभी लोग की ठहरने की अभी 10-15 दिन की व्यवस्था की है, जब तक पट्टा इनको नहीं मिल जाता। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।